Good morning, students. Now today I am going to add some information in the chapter which we are taught in earlier videos. Accommodation theory adopted in Belgium under the chapter power sharing. आज हम अपने इस क्लास में आपको बेल्जियम जो वेस्टर्न यूरोप का एक डेवलप्ड स्टेट है, एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे बेल्जियम में एक ऐसी पॉलिसी को अपनाया गया गवर्नमेंट में कि कई प्रकार के डाइवर्स कम्युनिटीज के रहते हुए भी वहाँ काफ़ी पीस भी है, प्रोग्रेस भी है, ऑर्डर भी है, वह दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। जैसा कि हम जानते हैं इन बेल्जियम देयर इज फेडरल डेमोक्रेसी, जैसा कि बताया था हमने डेमोक्रेसी दो प्रकार की, फेडरल और यूनिटरी। तो यहाँ बेल्जियम में फेडरल डेमोक्रेसी है। फेडरल डेमोक्रेसी की विशेषता होती है कि वहाँ मल्टी लेवल गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है कई स्तरों पे होती है और जो भी जितने भी स्तर होते हैं व्हाट एवर द लेवल्स में भी देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस मल्टी लेवल गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पर हैं सबों को अधिकार जो सब्जेक्ट्स पे विभिन्न विषयों पे निर्णय लेने का दिया गया, डिसीजन लेने का दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। तो जैसा जानते हैं फेडरल डेमोक्रेसी में एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है जिसमें यानी कि अमेंडमेंट इतना आसान नहीं होता। जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ आज तक दुनिया में सबसे कम, जबकि 1787 से वो संविधान लागू है, फिर भी दुनिया में सबसे कम इतने लंबे समय में वहाँ संशोधन हुए संविधान में। तो ये फेडरल डेमोक्रेसी है और फेडरल डेमोक्रेसी में संविधान तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ बना इसके हिसाब से ही, लेकिन जब डच और फ्रेंच जो मेजर कम्युनिटीज थे वहाँ उसके बीच में टेंशन राइज किया, खास करके जो है 50 और 60 के डिकेड में, तो उसको सबसाइड करने के लिए, वेल कंटेंटेड करने के लिए, ठीक से एक ऑर्डर स्थापित करने के लिए दोनों ही कम्युनिटी के लीडर्स ने आपसी समझ से, आपसी समझदारी से एक आपस में समझौता करते हुए 4 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, वन आफ्टर अनदर। और ये चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा इस मल्टी लेवल गवर्नमेंट को इस प्रकार बनाया गया कि जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में सत्ता का इस प्रकार से बंटवारा किया गया, पावर टू रूल को इस प्रकार से बंटवारा किया गया कि सारी कम्युनिटीज उस देश में बिल्कुल एक्वेंटेड है, कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड। और ड्यू टू दिस सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट ऑल द कम्युनिटीज लिविंग हियर वर्क इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ का आपसी समझदारी इतनी अधिक बढ़ गई कि सब आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे का, कन्फ्रंटेशन और कन्फ्लिक्ट लगभग समाप्त है, ऐसे में पीस और प्रोग्रेस बिल्कुल क्या है, नेचुरल हो जाता है। तो यहाँ जो पावर शेयरिंग, पावर को जो शेयर किया गया वो जिस थ्योरी के आधार पर किया गया, थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन, ये थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन है, इस प्रकार का ये रूलिंग टेक्निक है, वास्तव में पावर शेयरिंग का एक टेक्निक है जिसमें हर ग्रुप को एकोमोडेट किया जाता है, मतलब पावर शेयरिंग जस्टिफाइड मैनर में डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच पॉसिबल बनाया जाता है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। हकीकत यह है कि इसका अगर आधुनिक स्वरूप अगर हम देखने थोड़ा सा विस्तारित रूप में अगर देखें तो इसको अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसी से मिलता जुलता अगर हमारे देश में या दुनिया के विभिन्न देशों में देखेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्टेक्ट जो है आज के समय में एक कंसेप्ट आया है।
अंतर इतना ही है कि यह गवर्नमेंट लेवल पर है, कम्युनिटी लेवल पर यह जो है डिफरेंट गवर्नमेंट में कम्युनिटीज को अकोमोडेट करता है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में क्या है कि जो पार्टी मेजोरिटी में आने का वास्तव में प्रयास करती है इलेक्शन में, अगर नहीं आ पाती है, जो कई पार्टियां जब अपने मैनिफेस्टो में दिए गए पॉलिसी और प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज करते यानी अकोमोडेट करके एक सरकार बनाती है, यानी कि फॉर्मिंग ए मेजोरिटी आफ्टर अकोमोडेटिंग द इशूज ऑफ अदर पार्टीज व्हेन दे फॉर्म ए गवर्नमेंट, देन दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अकोमोडेशन। वह भी जो है सामंजन का, सामंजस्य का, एक सामंजस्य स्थापित करते हुए सरकार का रूप है हमारे देश में, खासकर 1989 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक ए कोलिशन गवर्नमेंट रही है, जो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत हद तक अकोमोडेशन थ्योरी को यहाँ हमारे यहाँ अडॉप्ट किया जाता रहा है। हालांकि अपवाद इसका क्या रहा है 91 से 96 तक, जब श्री नरसिंह राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे बड़े ही कुशलतापूर्वक उसने अल्पमत सरकार चलाई 5 साल के लिए, बहुत सक्सेसफुली जो भी हो। बाकी अभी तक का समय अगर देखेंगे तो भले बीजेपी अभी जो सरकार है वो मेजोरिटी में है, नंबर से उसके ज़्यादा है, फिर भी वह कोलिशन गवर्नमेंट ही रन करना पसंद कर रही है, क्योंकि उसमें डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट जो डाइवर्स जो है रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिकल ग्रुप जब अकोमोडेट किए जाते हैं तो उनको वेल कंटेंटेड रखा जाता है थ्रू शेयरिंग ऑफ द पावर, और इस तरह से वहाँ विरोध के स्वर नहीं होते हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं होते, कन्फ्रंटेशन नहीं होते हैं, तो डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। यानी एवरी कम्युनिटी वेन गेट्स इट्स जस्टिफाइड शेयर इन द गवर्नमेंट जनरली दे टेक इट एज इट्स ओन गवर्नमेंट एंड इट जनरली डज नॉट कम फॉरवर्ड टू हैव ए कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो यहाँ भी यही किया गया है कि ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट यहाँ स्थापित किया गया, और ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट में फर्स्ट जो लेवल जो रहा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल में जो सरकार बनाई गई उसमें फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी, ये दो मेजर कम्युनिटी वास्तव में वहाँ थी। अच्छी अलग बात है कि संख्या के आधार पर अगर कहें तो डच कम्युनिटी न्यूमरिकली लार्जर देन दैट ऑफ द फ्रेंच, लेकिन अगर उसके हिसाब से अगर देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन सबों का हो अलग अलग तो निश्चित तौर पे डच कम्युनिटी के ज़्यादा होंगे क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया ताकि दोनों कम्युनिटी एक दूसरे को ज़्यादा या कम न आंक सके, एक दूसरे का प्रभाव वास्तव में एक दूसरे के बराबर ही रखा जा सके। वेल एक्वेंटेड नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे दोनों में बराबर रखे गए, भले उनके नंबर रिप्रेजेंटेटिव्स के सेंट्रल जो है लेजिस्लेचर में भले ही कम हों, लेकिन जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स की जो संख्या थी वो दोनों कम्युनिटी से बराबर रखे गए, अर्थात दोनों कम्युनिटी को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया या अकोमोडेट करने का प्रयास किया गया, यानी कि उनको उचित स्थान दिया गया, तो इनकी शिकायत ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से न रहे और दोनों ही यह समझे कि सरकार हमारी है। सेकेंड लेवल जो गवर्नमेंट है वह स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हैं एक फेडरेशन है, यहाँ फेडरल डेमोक्रेसी है। फेडरल डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है मल्टी लेवल गवर्नमेंट, और इस मल्टी लेवल गवर्नमेंट में सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है और स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है दोनों के शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज जनरली रेमेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बोथ द गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट प्रोविंस टेक्स इट्स पावर गेट्स इट्स पावर फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को देती है और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ देती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बंटवारा हो जाता है, जो अमेंडमेंट के थ्रू जो लाया गया प्रोविजन जो डाले गए उसमें सेंट्रल के ही कुछ जो है जिस पर वो पहले से काम कर सकती थी उस पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, और वहाँ फ्लेमिश रीजन है जहाँ जो है वास्तव में डच लोगों की संख्या ज़्यादा है, वेरोनिया है वहाँ जो देखेंगे कि तो क्या है तो फ्रेंच लोगों की संख्या ज़्यादा है, ये कंपेरेटिवली रीचर भी है, लेकिन इनको जो पावर दिया गया उसमें इनको पूरा अधिकार दिया गया अपने अपने रीजन में कि जो भी पावर उनको मिला है जिस विषय पर व्हाट एवर द सब्जेक्ट्स दे वेर अलाउटेड दे वेर फ्री टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट द कंसल्टेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में
इस प्रकार के डिसीजन नहीं हो जाते हैं वहाँ जहाँ वास्तव में एक रियल फॉर्म फेडरेशन होता है यानी फेडरल गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की गई, तो ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल स्टेट गवर्नमेंट का। एक तीसरा जो वहाँ गवर्नमेंट जो आया वो कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट, जैसे हमारे देश में देखते हैं कि है ना थ्री टीयर गवर्नमेंट हमारे यहाँ भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और 73rd and 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे यहाँ जो एक बेहतर व्यवस्था की गई है लोकल गवर्नमेंट की, जो पंचायती राज सरकार है, ठीक वैसे ही लगभग मिलता जुलता एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की स्थापना की गई हर कम्युनिटी के अलग के लिए। डच कम्युनिटी जो वहाँ है काफ़ी बड़ी संख्या में, तो कम्युनिटी लेवल पर जो कुछ डेवलपमेंट या उनके एस्पिरेशन गवर्नमेंट से है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से अगर फुलफिल नहीं हो पाए, कवर नहीं हो पाए, तो इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर वो सेटिस्फाई कर दिए जाते थे यानी उनके द्वारा फुलफिल किया जाता था। वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन जो रह गए थे एक वहाँ, दे वेयर रियली 1% इन बेल्जियम अमंग द पॉपुलेशन। तो इनको भी कंटेंटेड करने के लिए, उनके भी पर्सनल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो लैंग्वेज वेज वास्तव में यहाँ कम्युनिटी है तीनों, ये लैंग्वेज के आधार पर जो डच और फ्रेंच और जर्मन है, तो इनको दिया गया कुछ विषय सब्जेक्ट ही ऐसे जिस पर वो आसानी से अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए वो प्रयास कर सकते थे और तब उनकी कोई शिकायत नहीं रहती। लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड या एजुकेशन के लिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जवाबदेह बनाई गई, यानी कि दे वेयर गिवन द पावर, दी कम्युनिटी गवर्नमेंट्स वेयर गिवन द पावर। और ये तीन हो गए, डच लोगों के अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, लेकिन डच कम्युनिटी के बारे में सिर्फ जो है एजुकेशन, कल्चर या लैंग्वेज से संबंधित निर्णय लेते थे, फ्रेंच लोगों के लिए अलग और जर्मन कम्युनिटी के लिए एक अलग जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाए गए, जिसमें वोटर्स के रूप में भी सिर्फ एक उसी कम्युनिटी के थे, जिस कम्युनिटी के उसके रिप्रेजेंटेटिव थे और उसका वो कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस तरह से अपने कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए इस प्रकार के कम्युनिटी गवर्नमेंट को स्थापित किया, ताकि किसी भी प्रकार की अगर किसी को शिकायत रहे किसी कम्युनिटी को स्टेट लेवल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट पे, तो उस शिकायत को दूर किया जा सके कम्युनिटी गवर्नमेंट के एफर्ट्स से। टू सबसाइड द डिसटिस्फैक्शन राइजिंग इन डिफरेंट कम्युनिटी विच वी आर लेफ्ट अनसॉल्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट आर जनरली सॉल्व्ड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट, रिसॉल्व्ड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस तरह से हर कम्युनिटी को उचित स्थान दिया गया, साथ में आप जानते हैं किसी भी देश में छोटा हो या बड़ा, चूंकि बेल्जियम एक फेडरेशन है, फेडरल स्टेट है, तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो था, राजधानी के लिए अलग से व्यवस्था की गई ब्रुसेल्स, चूंकि इट वॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ पावर और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी जो है इस ब्रुसेल्स का, जो इसका कैपिटल है उसका काफी डिफरेंट है, खास करके जो देश की प्रकृति है, संपूर्ण देश के स्तर पर कहेंगे कि फ्रेंच कम्युनिटी जो है खास करके जो है डच कम्युनिटी से संख्या में कम है, लेकिन यहाँ ब्रुसेल्स में उल्टा है, यहाँ 80% जनसंख्या जो है यानी पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन जो है वो फ्रेंच लोग का है और मात्र 20% डच कम्युनिटी के लोग हैं। फिर भी जो सरकार यहाँ बनाई गई, एक अलग से सरकार बनाई गई एट द कैपिटल रीजन इन ब्रुसेल्स, वहाँ दोनों ही कम्युनिटी के, फ्रेंच और डच दोनों को बराबर जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी कि जो मिनिस्ट्री वहाँ कायम, जो गवर्नमेंट कायम की गई, बोथ डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज वेयर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और इस तरह से हर कम्युनिटी को हर लेवल पर संतुष्ट किया गया, ताकि लोगों के पास शिकायत न रहे, क्योंकि जहां कहीं भी अगर लगे कि किसी कम्युनिटी को कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वहां से विरोध के स्वर स्वाभाविक। और इन द केस वेन देयर डिससेटिस्फैक्शन राइजेज, देन देयर इज द कन्फ्रंट, देयर इज द कन्फ्लिक्ट, देयर इज द एजिटेशन, देयर इज द मूवमेंट एंड इट जनरली डिसरप्ट्स द पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड द डेवलपमेंट इन ऑल राउंड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेल्जियम में थ्रू द थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट को कंटेंटेड करके डिफरेंट लेवल पर इस फेडरल डेमोक्रेसी को एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाया गया है, जिसने वहाँ एक अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित किया है
और वहां के लोगों के लिए जो पब्लिक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम माना जाता है डेमोक्रेसी को, उसको रियली वास्तव में जस्टिफाई किया है, उसको प्रूव किया है। इसके बाद तरह हम देखते हैं व्हाट एवर वी फाइंड दैट द थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन हैज मेड, इस थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन ने, सामंजन की इस नीति ने, शासन की ये जो सामंजस्यपूर्ण नीति थी जो बेल्जियम में अपनाई गई, उसने क्या किया, व्हाट डिफरेंस रियली इट ब्राउट इन द गवर्नेंस ऑफ बेल्जियम। तो देखेंगे सच अरेंजमेंट्स विच प्रूव सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग द टेंशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, जो भी कम्युनिटी यहां रह रही थी क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो गई इस व्यवस्था में, इसलिए जो भी उनके बीच में डिफरेंस था, डिफरेंस वास्तव में डिफरेंस इन इंटरेस्ट, उनके हितों में जो वास्तव में जो टकराव स्वाभाविक तौर पे आ जाने वाला था, उसको अकोमोडेट कर लिया गया, ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया कि उस अरेंजमेंट में ने सक्सेसफुली बिल्कुल सफलतापूर्वक उनके बीच के मतभेद को खत्म कर दिया। परिणाम क्या हुआ, द रिजल्ट देयर इज पीस प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑल अराउंड, या बेल्जियम एक फलता फूलता का पितेई से विकसित करते हुआ दुनिया के सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाले देशों में से एक। जबकि हमने क्या देखा श्रीलंका में, ठीक यही जब थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन को अवॉइड किया गया और मेजर टेरेनियनिज्म जो है वहां अपनाया गया, तो मेजर टेरेनियनिज्म के कारण जो है वहां सिविल वार का कंडीशन क्रिएट हुआ और चारों बर्बादी बर्बादी डिवास्टेशन एंड रेन इन ऑल अराउंड ड्यूरिंग 80 to 2010। तो लगभग 30 सालों तक वह पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर रहा, समूचे लंका में अफरा तफरी रही श्रीलंका में, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे देश में देखते हैं यहाँ बेल्जियम में एकोमोडेशन को अपनाया गया, यहाँ शांति रही, सुव्यवस्था रही, संपन्नता रही और यहाँ विकास के हर अवसर उपलब्ध थे लोगों के लिए। तीसरा हम कह सकते हैं कि दिस अरेंजमेंट ऑफ एकोमोडेशन अट्रैक्टेड, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि व्हाट एवर द डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटी दो प्रकार के समाज में खास करके बेल्जियम में थे, एक कल्चरल और एक रीजनल। कल्चरल के मतलब लैंग्वेज बेस्ड जो भी है, लैंग्वेज बेस्ड से मतलब ये था कि डच वाले जो है अगर यहाँ जो देश के लेवल पर अगर कहेंगे तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो देखेंगे कि ब्रुसेल्स में क्या है, कंट्राडिक्सरी है, जो राजधानी है वहाँ डच लोग जो है माइनॉरिटी में है, फ्रेंच लोग मेजोरिटी में है ब्रुसेल्स में, तो समूचे देश के लेवल पर अगर कहेंगे तो माइनॉरिटी में है। जर्मन नियरली 1% ऑफ द पॉपुलेशन। रीजनल अगर बात करें तो देखेंगे रीजनल में भी कि जो है वेरोनिया में जो है सक्सेस है ना, वहाँ प्रोस्पेरिटी ज़्यादा है, सक्सेस ज़्यादा है लोगों के पास है ना, वहाँ इनकम लोगों के पास ज़्यादा है क्योंकि उनके पास एजुकेशन ज़्यादा है, उनके पास अच्छे अवसर हैं, अस्किल्ड लोग हैं वे लोग। डच लोग कंपेरेटिवली कम पढ़े लिखे या कम है ना, बहुत ज़्यादा एक्सलेंटली जो है एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उनके प्रोग्रेस का जो वास्तव में जो लेवल है थोड़ा कम है। तो रीजनल डाइवर्सिटी है, खासकर इकोनॉमिक लेवल पर अगर देखेंगे, डेमोग्राफिकली भी देखेंगे तो है। तो इन सारे डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट कर दिया गया, यानी सामंजित कर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इन सारी जो विवादपूर्ण स्थितियां आ सकती थी हितों के टकराव के कारण, उसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के पश्चात जो व्यवस्था वहां कायम की गई ड्यू टू द थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन, उसने इस जो है फेडरल डेमोक्रेसी इन बेल्जियम को काफी हद तक कह सकते हैं कि सक्सेसफुल सफल साबित किया है, और उसकी असफलता दूसरे देशों के अनुकरणीय भी है। यूरोप के ही बाद में जाके देखेंगे जब यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई, द अदर कंट्री ऑफ यूरोप इन द फॉर्म यूरोपियन यूनियन, तो एक मानक के रूप में, का स्टैंडर्ड के रूप में माना है कि कहां शांति समझौता और समन्वय। यूरोपियन यूनियन भी क्या था, वास्तव में एक इकोनॉमिक फोरम था, खासकर उसका पर्पस उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यूरोप के अधिकतर देशों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग थे, फिर भी लोगों ने एक समझौता किया था अमेरिका के डोमिनेंस को फेस करने के लिए, यूएसए के डोमिनेंस को खासकर इकोनॉमी में। तो
डाइवर्स इंटरेस्ट के डिफरेंट स्टेट जब सामने आए और एक उसने जो एकोमोडेशन की थ्योरी अपनाई, तो ड्यू टू द एपिटोम ऑफ द थ्योरी ऑफ एकोमोडेशन है ना, बेहतर एग्जाम्पल कह सकते हैं एकोमोडेशन के रूप में जो ब्रुसेल्स ने प्रस्तुत किया था, वास्तव में बेल्जियम ने प्रस्तुत किया था, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया ताकि लोगों को यह मैसेज दिया जा सके कि जिस प्रकार से बेल्जियम में एकोमोडेशन को स्थान दिया गया है, उसको अपनाया गया है, ठीक यूरोपियन यूनियन में भी इसी प्रकार का ख्याल रखा जाएगा और इंटरेस्ट ऑफ एवरी मेंबर कंट्री विल बी एकोमोडेटेड विदाउट हैविंग एनी प्रिजुडिस बायस। नाउ अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। अगर इसमें आप लोगों को कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त होते हैं जो लगता है कि आपके लिए बेहतर है, तो निश्चित तौर पे हम आपके ही बेहतरी के लिए आगे भी इस प्रकार की प्रस्तुति देते रहेंगे जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई के विषय वस्तु से संबंधित है। क्लास 10 और क्लास इवन 9 के लिए भी मैं दे रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब भी करें और आपके दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक जो है हमारी इस बात को